हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र, आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है। मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है। ये सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, एमपी राज्यसभा भेजा जाएगा, इस तरह की बातें होती रही। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो हम लोग नीतीश जी महागठबंधन जब से बना है तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों का कमिटमेंट था उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। और साजिश रचने में ये लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और कौन कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पहचानते हैं। आप देखिएगा कि महागठबंधन के दो शीर्ष नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और शीर्ष नेतृत्व हम लोग सब लोग मिलकर के महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, दोबारा बना है। तो बीजेपी को 2024 का जो है वो डर है, और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है, और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं जी, उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब जाति जनगणना के बाद एक एजेंडा जो है बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है भाई, पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र, आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है। मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है हम लोग इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? शिक्षा है। मुद्दा क्या है? रोजगार है। मुद्दा क्या है? महंगाई है। मुद्दा क्या है? बिहार की तरक्की है, लोग आगे बढ़े, ये हम लोगों की बात होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि चर्चा भैया ना महंगाई ना बेरोजगारी, इस पे कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा। तो हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये सब सारी बातें सब ठीक है। जो लोग अपना एजेंडा तय कर रहे हैं, अभी तो ये चलेगा, अभी चल रहा है एजेंडा। क्या भाजपा का एजेंडा? हम लोग शुरू से क्या बोलते आए हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर, फिर वहीं आगे बिहार को लेकर के।
एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पे रखा जाए। बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता आए थे ना यहाँ, एक दो यही ट्रेनिंग दे के गए हैं। यहाँ जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं, बीजेपी में जो विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, लोग लगे हुए हैं कि कैसे हूँ कुछ हो जाए। इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले, महागठबंधन जो है वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बताइए, तरह तरह की बातें चलाई जा रही है मार्केट में, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं इसमें कौन है कौन क्या है। आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको पाठ हो रही है कि आप लोग गठबंधन। अरे भाई, शीर्ष नेता कौन है? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इसमें क्या है, मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए, ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग लोग सब लोग जान रहे क्या हो, तो इसमें नहीं। अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं, कहे ला आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे।